मुल्क में देही इलाकों में रहने वालों के पास अपना घर हो, गांव वालों के कच्चे घर पक्के होने चाहिए, उसके लिए हुकूमत के जानिब से कई काम शुरू किए गए हैं, जिनमें सबसे अहम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, जो हुकूमत के जरिए चलाई जाती है, जिसके जरिए आज मुल्क भर के देही इलाकों में रहने वाले लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना साल 2015 में शुरू की गई थी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उस स्कीम का फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर एक को अपना घर मिल रहा है। हुकूमत की तरफ से लोगों के लिए पक्के मकानात की तामीर के लिए बहुत सी माली इमदाद दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना। जम्मू कश्मीर के देहातों में अब पक्के घर तेजी से बनाए जा रहे हैं। खराब मौसम, बर्फीली हवाओं और समाज दुश्मन अनासुर का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लोगों के अपने पक्के घर हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लोगों के लिए खुशी का तोहफा लेकर आई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फायदा उठाकर लोग पक्के घर बनाने के लिए हुकूमत से माली इमदाद हासिल कर रहे हैं। क्या है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना? हिंदुस्तान में मकानात की किल्लत का मसला संगीन है। हमारे मुल्क में लोगों की बड़ी तादाद या तो बेघर है या कच्चे घरों में रह रही है। तंग गलियों के खस्ता हाल मकानों में आए रोज आतिशगी और दिगर किस्म के हादसात होते रहते हैं। दूसरी जानिब साफ हवा और रोशनी की अदम दस्तयाबी से लोगों की सेहत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इन बातों को जहन में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू किया गया। इस स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत देही इलाकों में गरीब और कमजोर तबके के लोगों को अपना पक्का मकान बनाने के लिए माली मदद फराहम कर रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के मुताबिक मरकजी हुकूमत जमीन पर पक्के घर बनाने के लिए 1,20,000 और पहाड़ी इलाके में मकान बनाने के लिए 1,30,000 की माली इमदाद फराहम कर रही है। किसी भी किस्म की धांधली से बचने के लिए हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि स्कीम के इमदादी रकम बराह रास्त फायदा उठाने वाले के खाते में जमा कराई जाए। स्कीम से मुताल्लिक मतलूबा दस्तावेजात। दरख्वास्त गुजार के पास उसका आधार कार्ड होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के पास अपना वोटिंग कार्ड होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के पास अपनी आमदनी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। पीएम आवास योजना दरख्वास्त फॉर्म भरने की हिदायत। प्रधानमंत्री आवास योजना दरख्वास्त फॉर्म भरते वक्त सभी चीजों को गौर से पढ़ें। अगर आपके दरख्वास्त फॉर्म में कोई गलती होगी तो उसे मुस्तरद कर दिया जाएगा, इसलिए दरख्वास्त फॉर्म भरते वक्त उसे गौर से पढ़ें। दरख्वास्त गुजार के पास अपने सभी असल कागजात का होना बहुत जरूरी है। दस्तावेजात की अदम मौजूदगी में दरख्वास्त का अमल मुकम्मल नहीं हो सकती। तस्वीर और दस्तखत ऑनलाइन अपलोड करते वक्त फाइल के साइज पर खसूसी तवज्जो दें। फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें जो रजिस्टर्ड है, ताकि अगर आप मुस्तकबिल में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सके। दरख्वास्त फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट लें और उसे मुस्तकबिल के हवाले के लिए अपने पास रखें। रजिस्टर करने के बाद आपको एक हवाला नंबर दिया जाएगा, वो हवाला नंबर अपने पास रखें। पीएम एवाईजी के मुस्तफीदीन
स्कीम के तहत फायदा उठाने वालों का इंतखाब हुकूमत की जानिब से एक शफाफ और तस्दीक अमल के जरिए किया जाता है, जिसमें 2011 के समाजी इक्तसादी मर्दमशुमारी के डेटा का इस्तेमाल शामिल होता है। PMAYG से मुस्तफीद होने वालों को मुंतखब करने का अमल दर्ज झेल है। 2011 डेटा का इस्तेमाल करते हुए मुस्तफीद होने वालों की फहरिस्त तैयार की जाएगी। इस फहरिस्त में ज्यादा जरूरतमंद मुस्तहकीन को तरजीह दी जाएगी। इसके बाद फहरिस्त को तस्दीक के लिए हल्का मजलिस को भेजा जाएगा। तस्दीक के मुताबिक PMAY से मुस्तफीद होने वालों की हतमी फहरिस्त तैयार और जारी की जाएगी। आखिर में सालाना फहरिस्त तैयार की जाएगी। अगर आप ऑफलाइन के जरिए इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप पंचायत दफ्तर से राब्ता कर सकते हैं। आपको इस स्कीम का फॉर्म पंचायत दफ्तर से ही मिल जाएगा।